सो जैसे कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग तो शूट एडिट करके चढ़ा दिया था जिसमें टी शर्ट वगैरह, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे जिसमें से कुछ ही एक आधा ही मुझे पसंद आया, बाकी मैंने रिटर्न डाल दिया। उसमें से ये दो ऑर्डर्स और थे मेरे जो अभी मतलब मुझे कल ही रिसीव हुए, थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से ओपनिंग नहीं कर पाया, अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। सो सीधा देना आगे, तो ऐसे ही मुझे दो शूज मिल गए थे, मतलब मन कर गया था लेने का, जिनके लिए जिन वैसे जा नहीं पा रहा हूँ अभी थोड़े दिनों से बिजी हूँ। तो ये एडिडास का शूज है, आई थिंक रनिंग शूज है, इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की है। तो आई थिंक साइज बड़ा है, गॉड नोज। तो ये मैंने जिम पर्पस के लिए लिया था, थोड़ा फ्लैट है लाइक जैसे लेग्स डे होता था उसकी वजह से, देखने में ओरिजिनल नहीं लग रहा है बट मेड इन इंडिया है तो मे बी ओरिजिनल हो सकता है, मेड इन चाइना होता तो फिर डुप्लीकेट होता। सो ये रहा एडिडास का, देन तो ऐसी पैकेजिंग आती है अपना H&M की, H&M कभी बॉक्स में शूज डिलीवर नहीं करता है। तो ये भी शूज ही हैं, देखने में अच्छे लगे थे लाइक थोड़ा सा एस्थेटिक उसमें, बट मे भी मुझे ऐसा हाथ में पकड़ के लग रहा है कि एस्थेटिक हो गए हैं। शाइन तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे मिथुन दास अपने टाइम पे डालते थे ना व्हाइट कलर की शूज, अच्छा है भाई। सो ये शूज H&M का ही है बेसिकली, H&M। तो आप जिस देख रहे हो इसका मेरे को सोल काफी ज्यादा अच्छा लगा, लाइक स्लिपरी नहीं है, थोड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लॉसी शाइन के लिए दिया हुआ है, साइड में एक पैच लाइन है ग्लॉसी में, देन ओवरऑल शूज ऐसे आप देखोगे स्नीकर नाइकी के जैसा है, ऑलमोस्ट नहीं कह सकते लाइक वो थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा एंकल के ऊपर होता है, बट मुझे वैसे एक शूज चाहिए था लाइक वाइट वाला, कभी कभार किसी फंक्शन पे जाते लाइक इवेंट्स वगैरह में जाने के लिए। तो अब दोनों में रेटिंग अगर देखोगे तो मैं इसको ज्यादा पसंद करूँ, उसको मुझे पिक्चर्स में बहुत अच्छा लग रहा था लाइक उसका, ये जो वाइट वाला ये जो है ये मुझे लगा था थोड़ा सा और बेटर हो सकता था इसमें, बट इतने में क्या ही मिलेगा। काफी जेन्युइन प्राइस है इसका, आई थिंक 2600 समथिंग था जो मैंने देख के ले लिया था कि जिम पर्पस के लिए वर्क होता क्या करता। तो अभी देखिए दोनों शूज में से कौन से आपको अच्छे लगे, थोड़ा ऊपर से वीडियो शॉट लेना है इसका ना, सामने से दिखा। तो इन दोनों में से आपको कौन सा शूज अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया होगा मुझे कमेंट्स में मैसेज करिए, मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा कि ये मैंने कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया और ये वाला कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया। सो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू हो, अगर पुराने हो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दिया करोगे, मोटिवेशन मिलती है एक तो, क्योंकि तो बहुत सरदर्द लगती है इसमें बनाने में, तो आप लोगों के लिए सो थैंक यू सो मच। सो शूज मैंने वेयर कर लिया, मुझे काफी कंफर्टेबल लगा, बेसिकली बहुत लाइट वेट है शूज ये, जैसा आप देख रहे हो अभी मैंने इस पेंट के साथ ये शूज वेयर किए तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं थोड़ा एक मिरर में देख लेता हूँ, सामने से फ्रंट लुक भाई साहब अच्छी है, इसकी साइड लुक भी अच्छी है, अगर एज कम्पेयर टू मतलब जैसे अगर जिम के अलावा मैं ऐसे शूज डाल के जाता हूँ तो जैसे इस पेंट के साथ भी सूट कर रहे हैं, बट ये शूज जिम के अलावा कहीं डालने चाहिए लाइक यहाँ से बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे कभी आपको बाइक पे जाते हुए कभी यूं करके लग गई तो आपको इंजरी हो सकती है। सो मैं बस आपको ये चीज बताऊंगा कि बाइक को और स्कूटी या कभी भी वॉक करने के लिए ये वाले शूज नहीं डालने चाहिए, ये जिम के लिए ही बने हुए हैं, कभी भी रिलैक्स, बट काफी कंफर्टेबल शूज है, बहुत लाइट वेट, इतना सॉफ्ट है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के शूज डाले, इतना लाइट वेट और इतना कम्फर्टेबल शूज है,
वो देखने में H&M वाला थोड़ा हैवी लग रहा था, फिर वेयर करके देखता हूँ कैसा लगता है। अब पीछे से जूते को देखोगे तो थोड़ा सा इंटेल के ऊपर देखोगे थोड़ा सा ग्लॉसी सा उसको वो दिया हुआ, शाइनी वाइट दिया हुआ। बाकी कंफर्ट ये भी है बट मेरे को नाइकी से ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट इसका लगा, क्योंकि नाइकी का देखा होगा आपने सेम ऐसे स्नीकर्स आते हैं, तो नाइकी से कम्फर्टेबल इसलिए है कि नाइकी से थोड़ा सॉफ्ट है, जैसे फ्रंट का नाइकी से थोड़ा सॉफ्ट है बट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे देखने में। हाँ एक ये एक पॉइंट बड़ा है पर कोई दिक्कत नहीं चलेगा, मैंने कौन सा डेली यूज में डाला है, कभी कभी डालूंगा इसलिए। तो वैसे तो अच्छे ही हैं दोनों दोनों जूते, उसकी अलग एक प्रेजेंस है, इसकी अलग है, दोनों एक्चुअली वाइट और ब्लैक के हिसाब से देखोगे तो अलग दिखेंगे, बट वो जिम में वेयर करने के लिए बहुत सही है। और ये कैजुअल मतलब लाइक अभी पार्टी में जा रहे हो लाइक थोड़ा सा डिफरेंट लुक के लिए, जैसे कि मैं फॉर्मल कपड़े नहीं डालता हूँ, उसके हिसाब से मेरे लिए दोनों जूते अच्छे। सो अगर आपको भी ये सेम जूते चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, अदरवाइज आपको अभी ऐसे शेयर करना है तो ऐसे मैं अभी नहीं करूंगा। लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मुझे कितने कमेंट्स करते हैं, किस किस को अच्छा लगा है, किस किस को नहीं लगा, मैं दोनों के लिंक शेयर करूंगा। दोनों काफी ज्यादा अच्छे बजट में है, दोनों इतने बजट में शूज आजकल रेप्लिकास भी इसी मतलब इसी बजट में रेप्लिकास मिलते हैं आजकल, जो ओरिजिनल है वो एडिडास का था और ये H&M का था, तो दोनों क्वाइट सेक्सी वाले जूते मेरे को बहुत पसंद है। सो थैंक यू।